हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम सेकंड वीडियो पे हैं, यूनिट सेकंड के। ओके, तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किंगडम मोनेरा के बारे में। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज चीज़ों को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। ओके, और इनमें ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ओके, अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अबंडेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके, बैक्टीरिया जो है वो ऑकर होते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, इसको यूबीक्यूटस भी कहते हैं। आगे चैप्टर, आगे जब आप बायो लेके पढ़ोगे तो यूबीक्यूटस टर्म आएगा। इट मीन्स कि वो जहाँ वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। ओके, इवन हमारे माउथ में भी देखा जाए, ब्रश करने के बाद भी हमारे माउथ में अच्छे खासे अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर हम आप एक मुट्ठी गार्डन से गए और एक मुट्ठी सॉइल ले लिया तो उसमें अबाउट 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया जो है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल टर्म है। ओके, एंड बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर टर्म है। इट मीन्स कि अगर हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बैक्टीरियम टर्म बोलेंगे, अगर हम सारे के बारे में बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया बोलेंगे, बैक्टीरियाज नहीं होते। ओके, ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशन में, जहाँ पे बहुत कम ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इवन अदर ऑर्गेनिज्म में भी रहते हैं और एज ए पैरासाइट भी रहते हैं। ओके, एंडो पैरासाइट भी होते हैं और एक्जो पैरासाइट भी होते हैं। एंडो पैरासाइट मतलब कि पैरासाइट के अंदर रहना, और एक्जो पैरासाइट मतलब कि सरफेस पे रहना पैरासाइट के। ओके, बैक्टीरिया जो है वो ग्रुप किया गया है उनको फोर कैटेगरीज में। बेसिस क्या है उनका, उनके शेप के अकॉर्डिंग। ओके, जो स्फेरिकल कोकाई होता है जिसका प्लूरल होता है कोकाई और सिंगुलर होता है कोकस। फर्स्ट है जो स्फेरिकल शेप के होते हैं उनको कोकस कहते हैं, जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको बेसिलस कहते हैं, जो कॉमा शेप्ड के होते हैं उसको विब्रियम कहते हैं, और जो फोर्थ है वो है स्पाइरल शेप्ड का, इसको स्पाइरलम कहते हैं। जो यहाँ पे फिगर 2.1 है, आपको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। फर्स्ट जो फिगर दिखा रहा है वो स्पेरिकल शेप है बैक्टीरिया का, सेकंड बेसिलस है, और थर्ड स्पाइरिलिया है, और फोर्थ विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड के होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम बात करें बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की, ये बहुत सिंपल होते हैं अब, लेकिन बिहेवियर वाइज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, अगर हम अलग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब कि इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि कुछ ही, ये 10 ही मेटाबॉलिक डाइवर्स इनका मेथड है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं और उनकी नीड क्या है, वो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके ऑर्गेनिक बनाते हैं खुद के लिए खाने, उनको ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो फोटोट्रॉपिक है वो मीन्स कि वो लाइट का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके अगर वो खाना बना रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। अदरवाइज अगर कीमोसिंथेटिक है, इट मीन्स कि वो केमिकल को यूज़ करके, एज ए सब्सट्रैक्ट वो यूज़ करके खाना बना रहे हैं, तो वो होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पे जो है, जो लास्ट बहुत ज़्यादा वास्ट वेराइज मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हेटरोट्रॉपिक, मतलब कि वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, भले वो डेड ऑर्गेनिज्म हो गया या कोई ऑर्गेनिज्म हो गया। ओके, तो जो फर्स्ट ग्रुप है इनका वो आर्के बैक्टीरिया है। आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये एक ऐसे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये बहुत ही हार्श हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, मतलब कि वैसा कंडीशन जहाँ पर नॉर्मली ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या होता है, ये एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में, जिसको हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं, हेलोफाइल्स मतलब जो वैसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया को सॉल्ट लविंग होते हैं, वहाँ पे वो रह सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं उनको हम लोग थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, और जो मार्शी एरिया में रहते हैं उनको मेथेनोजेंस कहते हैं। ओके, जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से
उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, और यही रीज़न है कि वो लोग सर्वाइव कर पाते हैं ओके एक्सट्रीम कंडीशन पे। जो मेथेनोजेंस की बात करें, ये प्रेजेंट होता है हमारे, ये गट में प्रेजेंट होता है रुमिनेंट एनिमल्स के ओके और जैसे कि काउ हुआ, बफेले हुआ, और यही प्रेजेंट होते हैं, तभी हमारे गोबर गैस प्रेजेंट प्रोवाइड होता है, प्रोडक्शन उनका हो पाता है ओके यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेकेंड इज़ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब ही होता है वर्ड जो है ट्रू बैक्टीरिया, मतलब कि ये सच वास्तविक बैक्टीरिया हैं। इनके पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, इनको कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? इनके पास प्रेजेंस होता है रिजिड सेल वॉल का, और ये मोटाइल होते हैं, मतलब कि वो मूवेबल होते हैं। इनके पास फ्लैजेलम होता है, एक फ्लैजेला होता है ओके। जो साइनोबैक्टीरिया है, मतलब जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट में, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ओके। जो फिगर 2.2 दिख रहा है आपको, ये नोटैटम है ओके, सॉरी नॉस्टॉक है, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या है, तो नॉस्टॉक होगा ओके। और ये फिगर को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि आपसे ये फिगर ड्रॉ करा हुआ है और ये है कुछ पार्ट्स के नाम नहीं मिसिंग होंगे और आपको वो लिखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के फिगर्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओके, वो सीबीएसई के पैटर्न से भी देखो या फिर नीट के प्रिपरेशन के भी देखो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आता है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्लोनिकल होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं ओके। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैराइन में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी की तरह भी रहते हैं। जो कॉलोनीज होती है वो जनरली सराउंडेड होती है एक जिलेटिनस सीथ से, मतलब जिलेटिन का लेयर होता है ओके उनके ऊपर। और मोर ऑफन जो होते हैं फॉर्म करते हैं एल्गम ब्लूम, जैसे कि आप लोग देखते हो कि वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, बबल्स टाइप के फॉर्मेशन हो जाता है, उनको वाटर ब्लूम्स कहते हैं, एल्गम ब्लूम ओके। कुछ क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम लोग हेटरोसिस्ट कहते हैं ओके। और हेटरोसिस्ट आप फिगर 2.2 में देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पर्पल कलर का, वो हेटरोसिस्ट है। और जो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके दो एग्जांपल अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, तो दो हैं नॉस्टॉक और एनाबेना ओके। अब आता है दूसरा, जो कीमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, वैसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, और यूज़ करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए एटीपी प्रोडक्शन में ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे ओके। अब क्या है, ये क्या करते हैं, अगर पूछा जाए कि कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या, ऑटोट्रॉपिक एल्गी क्या यूज़ करते हैं, इनका ग्रेट रोल है रिसाइकल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर ओके। अब आता है बात हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, बात आती है ठीक है। हमने ऑटोट्रॉपिक दोनों पढ़ लिया, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब आता है नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, मेजॉरिटी जो होती है वो डिकम्पोजर ही आते हैं इनके अंदर, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर। कुछ तो कुछ के पास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर का, और ये हेल्पफुल होते हैं कुछ, जैसे कि कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में हेल्पफुल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं, लेग्यूम प्लांट की अगर बात करें रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ तो पैथोजन होते हैं जो कि डैमेज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बींग को, क्रॉप को, और इवन फार्म एनिमल्स को, पेट को, ये सारे, जैसे कि कॉलेरा हुआ, टाइफॉइड हुआ, टेटनस हुआ, सिट्रस कैंकर हुआ, ये सारे वेल नोन डिजीज़ हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया से होते हैं ओके। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि विच वन इज़ द बैक्टीरिया कॉज्ड डिजीज़, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, कैंसर, तो आपको ऐसे पता करना होगा ओके। अब क्या है, बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली फ्यूज़न से करते हैं ओके। समटाइम्स क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब कि जब सर्वाइवल के लिए उनके लिए नहीं होता है इन्वायरमेंट, तो वो क्या करते हैं, स्पोर्स बना देते हैं ओके।
उस टाइम क्या होता है वो सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अपने सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के आगे एक लेयर बनाएंगे रिजिड सा, और उसमें जो भी उनका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा बहुत सारे फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में, और वही ब्रस्ट होके स्पोर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ओके। और तो और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे कि प्रिमेटिव, जैसे कि डीएनए ट्रांसफर, जैसे कि उसमें होता है कॉन्जुगेशन में होता है, अब आगे पढ़ोगे, ओके। और जो यहाँ पे एक फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कम्प्लीटली लैक करता है सेल वॉल को, ओके। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द नेम द ऑर्गेनिज्म विच लैक्स सेल वॉल, ओके। तो फर्स्ट आंसर होगा यही माइकोप्लाज्म, ओके। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं और ये नोन होते हैं क्योंकि ये सर्वाइव कर पाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ओके। बहुत सारे माइकोप्लाज्म होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, ओके। थैंक यू।